इसमें सबसे पहले यहाँ कह रहा है, कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी लेखक यहाँ कह रहा है तो लेखक का मतलब है कौन लेखक है, बाबा भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो उनके बारे में कह रहे हैं कि किस विडंबना का बात, यानी किस विडंबना की बात करते हैं। तो विडंबना यहाँ पर लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो विडंबना का ही बात है। विडंबना का ही बात क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे समाज में क्या होता है कि जाति प्रथा के लोग पोषक ज्यादा होता है। क्या होता है, जाति प्रथा के, जाति हमारे यहाँ यानी जाति प्रथा बहुत ज्यादा होता है। यानी जाति जाति कोई भी अगर मान लेते हैं, कोई अगर मतलब अलग अलग जाति का कोई मान ले यादव है तो अपना सोचेगा कि यादव, यादव जाति ही हमारा नेता बने। कोई अगर राजपूत समाज के तो कहेगा कि चलो राजपूत समाज के यानी ये बनेगा, मतलब नेता बनेंगे, है ना। ये सबसे ज्यादा सबसे गलत बात है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या कि जो सबसे अच्छा काम करे, यानी जो नेता हमारे लिए अच्छा काम करे हम उन्हीं को जिताए, उन्हीं को लेके हम अपना नेता बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज में होता क्या है कि लोग जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर अपने पेशा को चुनते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अगर मान लेते हैं कोई जो है कि नाई है तो नाई का काम मार दिया गया है बालू काटना, है ना। कोई मान लेते हैं यादव है तो उसका भी काम मार दिया गया है भैंस भैंस पाल के अपना भैंस पाले मतलब दुहेगा, है ना। अच्छा उसके बाद सबका अलग अलग, इस तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबका जो है कि अलग अलग, अलग अलग भागों में बांट दिया गया, यानी काम के आधार पर पैसा को जो है कि बांट दिया गया है। लेकिन अब मान लेते हैं किसी के पिताजी किसान है तो उसके बेटा को भी किसाने बनना है। अगर किसी के पिताजी डॉक्टर है तो उसके बाल बच्चा भी क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अगर जिसके पिता टीचर है तो उसका बाल बच्चा भी जो है कि टीचर ही बनेगा। ऐसा हमारे भारतीय समाज में जो है कि ऐसा हमारे भारतीय समाज में नियम लगा हुआ है। लेकिन ये नियम बिल्कुल ही गलत है। अब मान लीजिए कोई अगर मान लेते हैं किसी के पिता जो है कि टीचर है और उसके बच्चा को भी टीचर बनना है और बच्चा को मन है नहीं हम टीचर नहीं बने हम हीरो बने या फिर हम जो है कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो ये तो गलत हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही बात है और इसी में देख लीजिए, यही पर समझ, ये बात आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर होगा मान लेते हैं कोई किसान है, यहाँ पर मान लीजिए कोई किसान है और कोई एक किसान का मान लेते हैं कोई बेटा है सपोज। अब मान लेते हैं किसान का बेटा है और ये मान लेते हैं किसान है सपोज, एग्जांपल दे रहा है आपको, ये मान लेते हैं किसान है और मान लेते हैं किसान का एक बेटा है। अब इसको जो है किसान जो है किसान के पास मान लेते हैं 5 बीघा जमीन है, अब ये अपना खेत में काम कर रहा है, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मान लेते हैं किसान जो है अपने खेत में काम कर रहा है, अपना बेटों को कहेगा चल बबू धीरे धीरे तोड़ो खेत संभाले के हो तू चल। अभी अपने बेटा को ले गया खेत संभाल रहे, इसको खेती करने में अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, टालू काम करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, टालू काम करना शुरू कर देगा। टालू मतलब टाल मटोर करना शुरू कर देगा, जिससे हमारे भारतीय समाज में क्या होगा, बेरोजगारी शुरू हो जाएगी, है ना, बेकारी और बेरोजगारी की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि विडंबना की बात करते हुए, है ना, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक, एक लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा सबसे बड़ा विडंबना है, यानी जाति तो होना ही नहीं चाहिए, जाति प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। अभी आप लोग नेता सब देख रहे हैं कि सीधे जो है कि जनगणना करवा देता है, जाति जनगणना करवा देता है, है ना। ये जाति जनगणना क्यों करवाइएगा, सीधे जो है कि आप इतना समझिए कि हम पूरे जो है कि भारतवर्ष के भारतवर्षीय है, यानी हम लोग भारतवासी है, हम लोग इंडियन है, आई एम इंडियन, है ना, हम लोग क्या है, इंडियन है, भारतीय है हम लोग, यानी भारत के रहने वाले हैं, भारतीय है, है ना। तो वो चीज ना सोच करके हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के नेता क्या करते हैं, जाति को यानी श्रम के आधार पर, क्या चीज के आधार पर, श्रम के आधार पर। श्रम का मतलब होता है वो काम, श्रम का मतलब होता है काम। तो याद रखिए हमारे यानी हमारे यहाँ यानी भारत में क्या होता है कि जाति के आधार पर श्रम को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वो बांट दिया जाता है किसको,
जाति के आधार पर श्रम को बांट दिया जाता है। और यही कारण है, यानी विडंबना का यही सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा रूप यही ले रखा है। तो आप यहाँ पर एक लाइन में एक मतलब शॉर्ट कट में सीधा समझ जाइए। अब आपको हम अस्थिर मतलब एक लाइन का आंसर दे रहे हैं। आपसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का क्या स्वरूप है, तो आप सीधा सीधी ये जवाब दे दीजिएगा कि लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि आज के युग में जातिवाद और जाति के पोषकों की कमी नहीं है, जिसके कारण जाति प्रथा के साथ साथ बेरोजगारी और बेकारी की समस्या शुरू हो गई है, जिससे लोगों में सबसे बड़ा विडंबना की बात कही गई है। हो गया, समझ गए, इतना ही जवाब दे देना। देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए तब आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है इसमें क्वेश्चन। देखिए कभी भी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन अगर अच्छे से आप समझ लिए ना तो समझिए आंसर आप थोड़ा बहुत आप अपने से दे सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ लिए, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो आराम से उसका लगभग आप आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि जातिवाद के पोषक यानी जो जातिवाद वाले लोग हैं उसके जो पोषक है, पोषक माने पालने वाला, जो जातिवाद के पोषक लोग हैं उनके बारे में उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक लोग क्या तर्क देते हैं, यानी जातिवाद के पोषक क्या तर्क देते हैं। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिएगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि क्या है, इतना बोल दीजिएगा, बोलिए तो क्या बोलिएगा, तर्क है कि अगर सभ्य समाज अगर चाहिए, जातिवाद के पोषक लोग का कहना है, ये बाबा साहब का कहना नहीं है, ये जातिवाद के पोषक लोगों का कहना है। जो लोग जातिवाद करता है, जो लोग कहता है कि हम गुआर छी तो हम गुआरे के जीता, हम मतलब फल्ला जात छी तो फल्ले जात के जीता, चिल्ला जात है तो चिल्ले जात के जीता, मतलब वैसे लोग क्या होता है, वैसे लोग क्या होता है, जातिवाद के पोषक होता है। वे लोग क्या होते हैं, जातिवाद के पोषक होते हैं, जो कि हमारे समाज को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। हमारे समाज को क्या कर दिया, खोखला, खोखला कर दिया, हमारे सभ्य समाज जो है असभ्य हो जाता है। तो यही बात कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक लोग क्या कहते हैं कि अगर जातिवाद कीजिएगा तो हमारा समाज जो है ना सभ्य समाज हो जाएगा। जातिवाद लोग क्या कहते हैं, ये लोग कि हमारा समाज जो है, क्या चीज, समाज जो है ये क्या बन जाएगा, सभ्य समाज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सभ्य समाज। अरे भैया अब मान लेते हैं सभ्य समाज कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, सभ्य समाज हो ही नहीं सकता। कैसे, अब मान लेते हैं किसी को इच्छा है इंजीनियर बनने का, आप बना दीजिएगा डॉक्टर, तो वो अच्छा से काम करेगा, पता चलेगा पेट चीरे के जगह पर माथा चीर दिया पता चलेगा मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देगा, पता चलेगा पेट चीरा उसके पेट में कैंची छोड़ के चल देगा, है ना, तो ये कर देगा और गड़बड़ कर देगा वो, समझे। तो ये चीज यानी जातिवाद के पोषक का यही कहना है कि अगर आपको समाज को सभ्य बनाना है, माने निमन बनाना है, तो क्या कीजिए, जातिवाद कीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें याद रखिए, कहिएगा आप लिखिएगा कि जातिवाद के पोषकों का कहना है या अर्थ है कि हमारा समाज तब सभ्य होगा, मतलब अच्छा होगा, जब जातिवाद के पोषक होगा, यानी जाति के आधार पर लोग जो है कि उसका उसका जो है कि जाति के आधार पर लोगों को जो है कि कामों को बांटा जाएगा, यानी श्रम को बांटा जाएगा, क्या किया जाएगा, हाँ। और वे लोग जो जाति के आधार पर कामों को बांटा जाता है, वे लोग का कार्य कुशलता जो होता है, यानी काम जो होता है वह कुशल पूर्वक करता है, ऐसा सही बात है, ये कर सकता है क्या, यानी जाति के आधार पर, कहने का मतलब जो जाति के आधार पर कामों को बांटा जाएगा, जाति के आधार पर श्रम को जो बांटा जाएगा, श्रम माने काम,
जाति के आधार पर जो श्रम को माना जाएगा, यह काम यह श्रम क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, ऐसा हो सकता। और इसका कार्य जो होगा, कार्य मतलब काम जो होगा, यह क्या होगा, कुशलता पूर्वक होगा। क्या चीज होगा, कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक होगा। ऐसा जो है कि इसका कहना यानी इनका जातिवाद के पोषकों का कारण। एक बार हम फिर से अस्तित्व आपसे सवाल पूछा है कि जातिवाद के पोषक को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो आप जवाब दीजिए ना कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि हमारे समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए जातिवाद करना अति आवश्यक है, क्योंकि जातिवाद करने से कार्य कुशलता पूर्वक होती है और जातिवाद से ही हमारा समाज सभ्य समाज बनेगा। इस तरह से आप बोलते हैं।